तो गाइज़ इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ जितने भी शॉर्टकट्स हैं और मैं चाहूँगा कि आप एक पेन पेंसिल कॉपी जो भी आपके पास है फ़ोन में आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए क्योंकि ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये शॉर्टकट बहुत ज़्यादा काम के हैं क्योंकि आपको बार बार यहाँ पे जाके पैनल्स में जाके वो चीज़ करने में बहुत टाइम लगेगा तो अगर आप शॉर्टकट याद रखेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा तो शॉर्टकट नंबर वन सबसे पहले कंट्रोल जेड जो यूनिवर्सल है कंट्रोल जेड से होता है आपका अंडू तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है यहाँ ब्रश ले लेते हैं तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ तो कंट्रोल जेड तो अंडू हो गया ठीक है तो आप कंट्रोल जेड करके अंडू कर सकते हैं अगर रीडू करना चाहे तो कैसे होगा तो रीडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड जो कंट्रोल जेड था वो अंडू कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड से आप री कर सकते हैं तो अंडू कंट्रोल जेड और शिफ्ट दबाएंगे तो साथ में ही कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड से रीडू कर सकते हैं ठीक है उसके बाद बी जो आपका ब्रश के लिए है शॉर्टकट बी से आ जाएगा आपका ब्रश ये शॉर्टकट रहेगा ई से आ जाएगा आपका इरेजर जैसा कि नाम है ई से इरेजर आ जाएगा आपका ई शॉर्टकट है इरेजर के लिए एफ़ अगर आप एफ़ दबाते हैं तो आप फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं या फुल स्क्रीन कर सकते हैं जैसे मैं एफ़ दबाता हूँ तो आप नीचे वाला जो पैनल है वो देखेंगे वो हट जाएगा अभी मेरे पूरे स्क्रीन पर आ गया है ये बहुत सही चीज़ है जब तो आप बिल्कुल फोकस होकर काम करना चाहो उसके बाद दोबारा दबाएंगे तो ये पूरा स्क्रीन आ जाएगा जो आपने आर्टवर्क बनाया है उसको देखना चाहें ब्लैक उस पर तो आप पूरा स्क्रीन आ जाएगा वापस एफ दबाएंगे तो आप वापस आ जाएंगे ठीक है अगर क्लोन स्टैम्प टूल एस दबाएंगे तो क्लोन स्टैम्प टूल आ जाएगा ठीक है सी से क्रॉप है ठीक है और उसके बाद जैसे बी से ब्रश है अगर आपको पिकर टूल लेना है तो यहाँ पे बी दबाने के बाद ऑल्ट दबाइए ये देखिए पिकर टूल आ गया ब्रश वाले मोड में ही होगा ये ध्यान रखिए जब आप ब्रश सेलेक्ट करते हैं और जब आपको पिकर चाहिए होता है कलर पिक करने के लिए तो आप ऑल्ट दबाएंगे तो आपका कलर पिकर टूल आ जाएगा राइट और आप ब्रश हैं ब्रश में हैं ब्रश वाले मोड में है और लेट से आपको मूव करना है तो आप उसको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ब्रश में है तो आप कंट्रोल दबाइए कंट्रोल दबा के रखिए तो आप इसे मूव कर सकते हैं बेसिकली जो उसका शॉर्टकट है टेम्प्रेरी यूज़ करने के लिए कंट्रोल है परमानेंट चाहिए तो वी दबाएंगे बट मैं यहाँ पे वी नहीं दबाता मैं कंट्रोल से ही ऑपरेट करता हूँ क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी मेरे को बार बार वी दबाने की तो कंट्रोल जब भी आपको मूव करना हो ठीक है कंट्रोल टी कंट्रोल टी से हो गया ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म क्या होता है कंट्रोल टी अगर आप दबाएंगे तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बेसिकली आप उसको साइज रिसाइज कर सकते हैं स्केल कर सकते हैं स्केल डाउन कर सकते हैं स्केल अप कर सकते हैं जैसे यहाँ पे मैं स्केल डाउन स्केल अप करके दिखाता हूँ और इसके भी कुछ शॉर्टकट्स हैं अगर आप ऑल्ट प्रेस करके स्केल करते हैं तो आप देखेंगे सेंटर से ग्रो हो रहा है इसे बोलते हैं सेंटर से ग्रो होना ठीक है अगर आप कंट्रोल प्रेस करके करते हैं तो आप देखेंगे आप इसे डिस्टॉर्ट कर सकते हैं कंट्रोल कर देते हैं शिफ्ट से पकड़ के करते हैं तो भी ये डिस्टॉर्ट हो जाता है लेकिन फ्रीली नहीं होता ये पस फ्रीली नहीं होगा ये ये डिस्टॉर्ट होगा मान लीजिए एक लीनियर पोजिशन में जैसे अभी नीचे हो रहा है तो नीचे ही होगा साइड हो रहा है तो साइड ही होगा डिस्टॉर्ट लेकिन अगर आप कंट्रोल से करते हैं तो आप इसे मूव कर सकते हैं ये शिफ्ट के साथ नहीं होगा यहाँ पे सिर्फ ऐसे मूव हो रहा है और ऑल्ट दबाएंगे तो सेंटर ग्रो होगा कुछ नहीं दबाएंगे नॉर्मल करेंगे तो जहाँ पे इसका पवेट होगा उस तरफ से होगा जैसे ये नीचे से हो रहा है यहाँ से ऊपर से होगा ये इस वाले पॉइंट से होगा इस वाले पॉइंट से, से करेंगे तो इस पॉइंट पे चले जाएगा तो आप समझ गए ट्रांसफॉर्म टूल कहाँ काम आता है कंट्रोल टी बहुत यूज़फुल है इसको याद रखना क्योंकि ये बहुत यूज़ होने वाला है आपके फ़ोटोशॉप में आगे भी जैसा कि मैंने आपको बताया था ज़ूम इन और जूम आउट अगर आप ऑल्ट प्रेस करके स्क्रोल करते हैं तो ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं अब जैसे अब कैसे पता चलेगा जूम इन कहाँ करना है अब जैसे अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हैं तो यहाँ पे मेरा कलर पिकर शो हो रहा है क्योंकि मैं ब्रश मोड पे हूँ लेकिन अगर मैं इसे यहाँ रखता हूँ क्लिक नहीं करना है आपको सिंपली स्क्रॉल करना है तो देखिए उसी जगह ज़ूम होगा इस पॉइंट पे रखूँगा तो इस जगह जूम होगा इस पॉइंट पे रखूँगा तो इस जगह ज़ूम होगा ठीक है कर, स्क्रोल से और फ्रीली जूम चाहते हैं तो आप कंट्रोल और स्पेस बार दबाएँगे तो देखिए कंट्रोल स्पेस बार दबाएँगे तो ये मैग्नीफाइंग टूल आ जाएगा जो कि यहाँ पर होता है ठीक है बिना इस पर जाए कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो है आप उसे दबाएंगे इसके बाद आप सिंपली आपका जो लेफ़्ट क्लिक है जिससे आप ड्रॉ करते हैं लेफ़्ट क्लिक को आप क्लिक करके रखिए और इसे ड्रैग करिए तो जिस पोजीशन में आपको करना है उधर ज़ूम हो जाएगा जिस पोजीशन में आपको रख के करना है उधर ज़ूम हो जाएगा तो मैं जूम ऐसे करता हूँ ऐसे भी करता हूँ माइक्रो जूम चाहिए होता है तो मैं इसलिए करता हूँ अगर बड़ा जूम चाहिए होता है कंट्रोल और स्पेस बार को दबा के करता हूँ जब मुझे बड़ा स्केल करना होता है उसके बाद ये सलेक्शन टूल के लिए आप एम दबाएंगे सिंपली तो ये मार्केट टूल आपके आप एम आप दबाएंगे तो ये यहाँ टूल आ जाएगा रेक्टेंगल टूल ये याद रखिए यहाँ पे जो भी टूल होगा ये वही आएगा ठीक है अब जैसे सर्कल आएगा अगर मैं ब्रश मोड पे हूँ लेफ्ट से मैं ब्रश पे हूँ अगर मैं एम दबाता हूँ तो यहाँ पे जो फोरग्राउंड में टूल है वही आएगा अगर आप चाहें तो राइट right क्लिक करके चेंज कर सकते हैं वरना आप ऑल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए चेंज हो जाएगा ये सब चीज़ में है ऐसा यहाँ पर भी ठीक है समझ में भी ये ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे तो हर जगह चेंज हो जाएगा तो ये कुछ तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जिसको आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे क्योंकि इससे आपका काम बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है बजाय आप यहाँ पे पैनल्स पे जाएं और फिर क्लिक करें और नई लेयर बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन ठीक है एन ठीक है एन फॉर नैनो नाना नानी नैनो वाला है एन तो कंट्रोल शिफ्ट एन नई लेयर बन जाएगी यहाँ पे आप इसको जो भी नेम देके ओके कर सकते हैं या यहाँ प्रेस कर सकते हैं तो जितनी लेयर बनाना चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं ठीक है और यहाँ से भी आप लेयर बना सकते हैं लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे तो मैं आपको अभी सिर्फ शॉर्टकट्स बता रहा हूँ आप उसका ध्यान रखिए कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट बनता है यानी नया कैनवास बनता है कंट्रोल एन से कंट्रोल शिफ्ट एन से नई लेयर कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट सिंपल है अगर आपको टेक्स्ट लिखना है आप किसी भी इमेज पे तो उसका शॉर्टकट है सिंपली टी अगर आप टी प्रेस कर देंगे तो आपका टैक्स का लेयर आ जाएगा तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए तो सिंपल टी दबाएंगे तो यहाँ पे आपका टैक्स लेयर आ जाएगा तो ये कुछ शॉर्टकट्स कट्स है जिसका ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस इसको लिख लीजिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ और भी शॉर्टकट्स कट्स है लेकिन ये जो शॉर्टकट्स मैंने आपको बताएँ ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं तो इसको आप प्लीज़ लिख लेना ताकि आप भूल ना जाएँ